हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वही अरब स्पाई यूनिवर्स के बारे में। क्या पठान मूवी यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की एक पार्ट है, या ये स्पाई यूनिवर्स पहले ही शुरू हो गया था और या फिर अभी से शुरू किया गया है, और फ्यूचर में हमें इस यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज देखने को मिलेगा, आज हम ये सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो ये कि पठान मूवी यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की एक पार्ट है। ये मूवी इस स्पाई यूनिवर्स की फोर्थ मूवी होने जा रही है। इससे पहले वही अरब स्पाई यूनिवर्स में एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वार, तीनों मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। लेकिन शायद आपने एक बात नोटिस नहीं किया होगा कि इन तीनों मूवीज के ट्रेलर में कहीं पर भी वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स ऐसा नहीं लिखा गया था। शायद जब पहली बार एक था टाइगर रिलीज किया गया था, उस टाइम पर यह बात नहीं सोचा गया था कि आगे जाकर इसे एक स्पाई यूनिवर्स की पार्ट बनाया जाएगा या फिर ऐसा कोई स्पाई यूनिवर्स भी बनाया जाएगा। शायद इसीलिए किसी भी ट्रेलर में वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स नहीं लिखा गया है। लेकिन पठान मूवी की इस ट्रेलर में ऑफिशियली एक लोगो बनाया गया है और लिखा गया है कि वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स। लेकिन ये मूवी इस स्पाई यूनिवर्स की पहली मूवी नहीं है। ये स्पाई यूनिवर्स एक था टाइगर मूवी से स्टार्ट हो चुकी है। अभी तो सिर्फ एक कैरेक्टर पर फोकस करके मूवी बनाया जा रहा है। सभी कैरेक्टर की इंडिविजुअल मूवी बन जाने के बाद सभी मूवीज की स्टोरी लाइन को एक दूसरे के साथ लिंक करके बाद में हमें इन तीनों को एक साथ एक ही मूवी में देखने को मिलेगा। तो कैसे ये सब स्टोरीज को लिंक किया जाएगा, ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। मेरे हिसाब से इस यूनिवर्स में जितने भी मूवीज आने वाला है, उन सभी में एक कॉमन विलेन रखा जाएगा और फ्यूचर में एक मूवी में उन्हें उस विलेन से लड़ने के लिए इन तीनों को एक साथ रखा जाएगा। इस साल की एंड में टाइगर 3 भी रिलीज किया जाएगा और इस मूवी में हमें शाहरुख खान को भी देखने को मिलेगा। और 2022 में सिद्धार्थ आनंद ने कहा है कि ऋतिक रोशन को लेकर वार की एक सीक्वल मूवी भी बनाया जाएगा। शायद इस मूवी में हमें ऋतिक के साथ सलमान खान या फिर शाहरुख खान को भी देखने को मिल सकता है। मतलब इस यूनिवर्स के अंदर आगे जितने भी मूवीज रिलीज किया जाएगा, उसमें हमें किसी भी दोनों कैरेक्टर को एक साथ या फिर तीनों कैरेक्टर को एक साथ देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके अनुसार इस यूनिवर्स में 3 मूवीज रिलीज हो चुकी है और 3 मूवीज रिलीज होने जा रही है। तो फ्यूचर में हमें इस यूनिवर्स में और भी मूवीज देखने को मिलेंगे। लेकिन टोटल कितने मूवीज रिलीज किया जाएगा या फिर इस यूनिवर्स में कोई नया एजेंट भी ज्वाइन करता है, इस सब के बारे में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर इस यूनिवर्स में अभी जितने भी मूवीज रिलीज होने वाली है, अगर वो सब बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई करते हैं, तो शायद ये यूनिवर्स में हमें नया कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। इस बात को लेकर कोई कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है। तो ये स्पाई यूनिवर्स के अंदर कितने मूवीज रिलीज किया जाएगा, ये बात तो उनकी पहले जो मूवीज रिलीज किया गया है उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डिसाइड किया जाएगा। ये तो बस एक थ्योरी था, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।